हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। मैंने 28 नंबर तक एज के क्वेश्चन करा दिए थे, हमारा कितना बचा है 29 से करना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं हमारे, 20 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं, तो दो वीडियो में या तीन वीडियो में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो आइए चलते, आज हम लोग 29 स्टार्ट करते हैं। 29 में क्या कहा गया है, अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की डेढ़ गुनी हो जाएगी। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, अशोक की हम लोग मान लेते हैं कि अशोक की वर्तमान आयु, अशोक की वर्तमान आयु कितनी है, x है। फिर हमसे कहा गया अशोक की आयु 10 वर्ष बाद, तो हमने लिख लिया x प्लस 10, 10 वर्ष बाद का है। उसकी वर्तमान आयु की डेढ़ गुनी है, वर्तमान आयु कितनी है x, डेढ़ गुनी का मतलब 3/2। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 2x प्लस का 20 बराबर कितने के 3x के, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना 20 का। तो अशोक की वर्तमान आयु कितनी है 20 है। फिर हमसे कहा गया वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, क्योंकि ये वर्तमान ही निकला है, वर्तमान में बेटी कितनी की हो जाएगी, उसका 1/10 गुना है, 10 × 20 कितनी आ गई 2। तो हमसे कहा गया उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, तो बेटी 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, वर्तमान में 2 की है तो 9 वर्ष बाद 11 की, ऑप्शन सेकंड। सीधा जो कहता जाए हम लोग बस वैसे ही करने हैं और बहुत जल्दी फिनिश कर लेना इसको। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कहा गया है, 30 नंबर में कहा गया है रीता की वर्तमान आयु संगीना की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। हमसे ये कहा गया है, हम लोग क्या करते हैं, जो संगीना है संगीना से कंपेयर किया गया है, हम लोग मान लेते हैं संगीना की 3 वर्ष पहले उम्र कितनी है एक्स है, हमने ये मान लिया है। तो जो रीता की वर्तमान आयु है वो संगीना की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। तो अब आप बताइए, यही हमसे कहा गया है रीता की वर्तमान आयु, रीता की वर्तमान आयु संगीना की 3 वर्ष पहले की उम्र की दोगुनी है, ये हमसे कहा गया। तो संगीना की 3 वर्ष पहले की एक्स है, तो रीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितने गुनी है, दोगुनी है, तो 2x हो जाएगी, यही हमसे कहा गया है। अब आप बताइए, अगर संगीना की उम्र 3 वर्ष पहले इतनी है, तो अगर संगीना की हम वर्तमान पूछे, संगीना की वर्तमान उम्र कितनी है, 3 वर्ष पहले x थी तो वर्तमान में कितनी x प्लस 3 होगी। फिर हमसे कहा गया है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 30 वर्ष है, तो संगीना का वर्तमान कितना है x प्लस 3 है, और इसका योग दोनों का योग करना है, रीता की वर्तमान आयु 2x है और दोनों का योग दे दिया 30, बस 3x प्लस का 3 बराबर 30 के, तो 3x बराबर 27, तो x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया। हमसे पूछा गया है तो 3 वर्ष बाद रीता कितने की हो जाएगी, हमसे पूछा गया 3 वर्ष बाद रीता की कितने की हो जाएगी, रीता की वर्तमान आयु कितनी है 2x है, तो रीता की आयु कितनी हो जाएगी 2x। तो इसके इस पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 9 बराबर कितना, रिक्ता कितने की 18 की है, और 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 3 वर्ष बाद 21 की हो जाएगी, ऑप्शन 4। हम लोग सीधा सीधा कर लेंगे उसी हिसाब से जैसा हमसे तीन वर्ष बाद पूछा गया है, तो हमने 3 वर्ष बाद निकाल दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हम लोग 31 नंबर। 31 में क्या कहा गया है, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाएगी, यदि सोनू 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया हो। हमसे कह दिया सोनू, जो मैंने सीधे कह दिया हम लोगों को वर्ण पकड़ना है, सोनू 12वां जन्मदिन कितने वर्ष पहले मनाया हो, 4 वर्ष पहले। अगर आपका 4 वर्ष पहले 12वां जन्मदिन था तो वर्तमान में आप कितने के होगे, वर्तमान में कितने के हो गए आप 16 के हो गए, क्योंकि 4 वर्ष पहले आपने 12वां जन्मदिन मनाया था, तो वर्तमान में आप कितने के हो गए 16 के। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 16 हो गई, ये हमारा सोनू की वर्तमान आयु आ गई 16। फिर क्या कहा गया है, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो 12 वर्ष बाद भोलू है, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, यही हमसे कहा गया है,
12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सोनू की वर्तमान आयु कितनी 16 है, तो 3 गुनी मतलब 48, तो मतलब 12 वर्ष बाद भोलू कितने का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है। अब आप ये बताइए कि अगर 12 वर्ष बाद वो 48 का हो जाएगा तो वर्तमान में वो कितने का होगा, वर्तमान में हो जाएगा वो कितने का, 36 का, बस ऑप्शन 3। उसके बाद चलते हैं अपन लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में क्या कहा गया है, 32 में कहा गया है ए और बी की आयु के 4 गुने से अधिक है। तो ए की आयु बी की आयु से, तो हमने बी की आयु मान लिया कितनी एक्स, ए की आयु कितनी होगी, ए की आयु बी की आयु से 4 गुने, तो हमने कर दिया 4 गुना बी की आयु का, 4 वर्ष कम है, तो हमने क्या कर दिया 4x-4, तो ये हो गई बी की। फिर कहा गया है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु कितनी है, इतनी है 4x-4, ये वर्तमान है, 4x-4 है। हमसे कहा गया क्या 10 वर्ष बाद, तो हमने 10 जोड़ दिया 10 वर्ष बाद। फिर कहा गया है ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु कितनी है x, अगर 10 वर्ष बाद ए की ले रहे हैं तो बी की भी 10 वर्ष लेंगे, के 2 गुने से कितनी अधिक है 8 अधिक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं कि यदि 10 वर्ष पहले ए की आयु, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं वर्तमान में, तो हम लोग क्या करेंगे 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो हमने क्या किया 10 जोड़ दिया, अगर 10 वर्ष बाद ए बढ़ जाएगा तो बी भी 10 वर्ष बढ़ जाएगा, तो हमने बी को भी 10 बढ़ा दिया के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x 10 प्लस का है तो प्लस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 में 4 के 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस का 20 प्लस का 8, तो 4x प्लस का 6 बराबर 2x प्लस का 28, ये 2x इधर आ जाएगा कितना 2x बचेगा, 6 इधर आ जाएगा कितना बचेगा 22, एक्स बराबर कितना आ गया 11। हमसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है, 11 आया है, ए की आयु कितनी है 4x-4, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 44 में 4 गए कितने 40, तो ए की जो है वर्तमान आयु वो कितनी है 40 है, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। 33 में क्या कहा गया है, 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु की 1/4 है, तो पीयूष है और स्वाति है, 4 वर्ष पहले पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4 है, यही हमसे कहा गया हो गई 1/4, और वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है, हमसे ये भी कह दिया कि वर्तमान में स्वाति कितनी की है 12 की है, अगर वर्तमान में स्वाति 12 की है, हमें रेशियो दिया है 4 वर्ष पहले का, तो हम लोग इसको 4 वर्ष पहले जाएंगे, तो 4 वर्ष पहले स्वाति कितने की हो जाएगी, अगर इस समय 12 की है तो 4 वर्ष पहले स्वाति 8 की हो रही होगी, तो बस स्वाति अगर 8 की है, हमारे हिसाब से 4 है, तो 4 बराबर किसके 8 के, तो 1 बराबर किसके 2 के, तो 2 एकड़ 2 और 2 × 8, ये हमारा आ गया 4 वर्ष पहले की आयु, पीयूष कितना 2 वर्ष का और ये कितना 8 वर्ष की। हमसे पूछा गया पीयूष की वर्तमान आयु, तो अब आप बताइए अगर 4 वर्ष पहले पीयूष कितने का था 2 का था, तो वर्तमान में पीयूष कितने का होगा, वर्तमान में पीयूष कितने का 6 वर्ष का, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 में क्या कहा गया है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 48 है, हमें चाहिए किसकी आयु पुत्र की आयु, तो जिसकी चाहिए वो हम लोग उसकी मान लेते हैं पुत्र की आयु एक्स, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 48-x, हम लोग यही तो करते हैं। फिर कहा गया 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, तो 7 वर्ष पहले तो 48-x-7, ये 7 वर्ष पहले हो गया, और ये पुत्र की हो गई 7 वर्ष पहले दोनों का गुणनफल, उस समय पिता की आयु का 6 गुना है, मतलब उस समय कितना 7 वर्ष पहले ही, तो 48-x-7 उस समय पिता की आयु का कितना गुना है 6 गुना है। अब आप बताइए कोई ऐसा बेवकूफ भी होगा जो आपको बताएगा कि इसको आप सॉल्व करिए मल्टीप्लाई करा के या द्विघात समीकरण बन जाएगा, ऐसा लोगों कुछ नहीं करना, ये जितना लिखा हुआ है उतना ये, सॉरी 48 था उतना ये लिखा हुआ है, तो ये कट जाएंगे, तो आ गया x-7 बराबर कितने के 6 के, तो x बराबर 13, मतलब पुत्र इस समय
कितने का है? 13 का है। हमसे पूछा गया उस समय पुत्र की आयु कितनी थी, उस समय मतलब 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 6 थी, क्योंकि 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 6। तो आप लोगों को ये देखना है कि उस समय पुत्र की आयु या वर्तमान में आयु, वर्तमान में कितनी है? 13, और उस समय का कह दिया, उस समय का मतलब जब गुणनफल किया गया था, मतलब 7 वर्ष पहले का हमसे पूछा है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये जो उस समय की आयु थी ये थी 7 वर्ष पहले, तो आप यहीं से देख लेते कि 6 लिखा हुआ, तो आप लोग इतना करते ही नहीं, लेकिन ये मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। तो इसमें कितना आएगा? 6 वर्ष। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 में क्या कहा गया है? विजय और नीरू की वर्तमान आयु का कितना अनुपात है? 7:6 है। विजय है और नीरू है, कितना अनुपात है? 7:6 है, वो भी वर्तमान। फिर कहा गया उनकी आयु का गुणनफल, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। उनकी आयु का गुणनफल तो कितना आ जाएगा? गुणनफल 42x² कितना है? 672 है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 42 एकम 42 और 42 छक्का 6 2 12 6 24 25 252। हाँ, 42 छक्का 16 आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितनी आ जाएगी? 4। एक्स बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो फिर पूछा गया 4 साल पहले नीरू की आयु कितनी थी, तो विजय थे और नीरू थे, ये अगर एक्स बराबर 4 आया तो 4 7 28 4 6 24 28 और 24 आ गया। पूछा 4 साल पहले नीरू कितने की थी, तो वर्तमान, ये वर्तमान रेशियो था तो वर्तमान आया, 4 साल पहले कितने का था? नीरू 20 की, ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 में क्या कहा गया है? ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 158 है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 158 है। फिर क्या कहा गया है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3, 4 और 7। तो अब बताइए, रेशियो को तो हम लोग 6 वर्ष पहले नहीं ले जा सकते, हम लोग योग को 6 वर्ष पहले ले जा सकते हैं। अगर योग को 6 वर्ष पहले ले गए तो हमारा आंसर सरल हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले तो 6 ये कम हुआ, क्योंकि तीनों का ये तो योग दिया है, और 6 वर्ष पहले की बात कर दी, 6 वर्ष पहले ये भी 6 छोटा होगा, ये भी 6 छोटा होगा, ये भी 6 छोटा होगा, मतलब टोटल छोटा कितना? 18। तो 8 मार गए 0, 5 में 1 गए 4 और ये कितना? 1। तो योग कितना आ गया? 104। हमारे हिसाब से 7 4 11 3 14, हमारे हिसाब से योग 14 बराबर 140 के, तो 1 बराबर 10 की। तो 6 साल पहले ये कितने का था? 30 का। ये कितने का था? 40 का। और ये कितने था? 70 का। ये आगे कितने? 6 साल पहले की। हमसे पूछा गया बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? हमसे पूछा गया बी और सी की वर्तमान आयु, 6 साल पहले बी कितने का था? 40 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 46 का। 6 साल पहले सी कितने का? 70 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 76 का। दोनों का योग 6 6 12 7 6 11 1 12, दोनों का योग कितना हो गया? 122, ऑप्शन फर्स्ट। तो हम लोग रेशियो को पहले नहीं ले जा सकते हैं, हम लोग योग को पहले ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग नहीं रखते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो चलो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आगे वीडियो मिलेंगे हम लोग कल। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।